सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लखनऊ वाला ब्लॉग। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं इस समय अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल सकता हूं और आज का दिन है 26 जनवरी 2023, यानी आज हमारा गणतंत्र दिवस है। सो आज मैं चलता हूं, आज नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज के दिन कैसा हमारा एरिया होगा। तो गाइस, आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे अपार्टमेंट में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है और बच्चों के साथ कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह होने वाले हैं, अट्रैक्टिव गेम्स होंगे। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर रह सकूँ। ये देखिए बच्चा कितना ज़बरदस्त स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, ये हमारे नए यंगस्टर्स। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और अब हम बाहर का मुजाहरा लेंगे, बाहर का नज़ारा देखेंगे और उसके बाद मिलते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग बना रहा था और अभी मुझे घर पर आके पता चला, जब मैं एडिटिंग करने बैठा तो मुझे पता चला कि मेरा माइक सडनली बीच में बंद हो गया था। सो अब मुझे इस पर रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है और साउंड इफेक्ट फिर से डालने पड़ रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने अपार्टमेंट से नियरेस्ट एक सफायर 90 मॉल है, वहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ आप लोग देख सकते हैं गणतंत्र दिवस कितना प्यारा और ज़बरदस्त सजावट की गई है। हमारे भारत देश के 3 ऐसे रंग जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका स्थान बहुत बड़ा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से सजावट की गई है, बहुत ही प्यारा और सुंदर दिखाई दे रहा है सफायर 90 का मॉल और कितना ही खूबसूरत देखने में नज़ारा है यहाँ पर। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी सुंदर सजावट की गई है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो चलिए बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में और लगे रहिए, देखते रहिए कैसा ये ब्लॉग बन रहा। और आप लोग देख सकते हैं 74 इंडियन रिपब्लिक डे, जो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग देख सकते कितना प्यारा और सुंदर बना हुआ है और बांस के पंखों की तरह उड़ता हुआ, और ये हमारा रिपब्लिक डे कितना खूबसूरत और प्यारा और शानदार दिखाई देता हुआ, जो देखा है देखते ही बनता है, एक बार नहीं आप बार बार देखोगे। अशोक चक्र के साथ हमारे लुक को कितना ज़बरदस्त और प्यारा बनाता हुआ, और लोग यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं बिना सेल्फी लिए। सो देख सकते हैं आप लोग, यंगस्टर्स हो गए चाहे बूढ़े हो गए चाहे जवान हो गए, सभी लोग, और मैं भी अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने भी अपने थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना लिया ताकि मुझे भी इसमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। और बहुत ही शानदार खूबसूरत दिखाई देता हुआ रिपब्लिक डे अशोक चक्र हमारा रिपब्लिक डे। आगे मॉल के अंदर हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे सजावटें की गई हैं। बहुत ही प्यारी और सुंदर खूबसूरत बलून्स के साथ डेकोरेशन किए गए हुए हैं, तीनों रंगों का साथ का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हमेशा सही दिखता रहा है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने प्लान किया कि मैं यहाँ पर सफायर 90 आया हूँ और इतने अच्छे मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर मुझे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। और पठान जो कि रिलीज़ हुई अभी कल 25 जनवरी को, और इसका इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, इतनी ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में बातें कर रखी हुई कि लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और पिक्चर देखने ज़रूर का ज़रूर पहुंच रहे हैं। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी पिक्चर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑनलाइन के थ्रू मैंने तुरंत का तुरंत बुक किया और मुझे सीट मिल गई और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी पिक्चर देखूंगा, इसलिए मैंने टिकट बुक कर लिया है फाइनली। सो अब हम मैं आईनॉक्स मॉल के पास जा रहा हूं और आपको दिखाता हूं। और सच बताऊं तो यहां पर आने के बाद मुझे पता चला है कि फिल्म का क्रेज़ तो बना ही हुआ है अभी भी, चाहे आप इंडस्ट्रियल एरिया हो, पब्लिक एरिया हो, कहीं पर भी हों। और आईनॉक्स जो कि देश का टॉप 3 मल्टीप्लेक्स माना जाता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोगों की कतार लाइन लगी हुई है आईनॉक्स के बाहर और सभी लोग एंट्री कर रहे हैं। और अभी शो चालू होने में लगभग मेरे ख्याल से
15 से 20 मिनट बाकी हैं, लेकिन फिर भी लोग लाइन में लगे हुए हैं और अंदर जा रहे हैं। सो मैं भी अब लाइन में लग जाता हूँ, अंदर चल देता हूँ और जल्दी से एंट्री कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ अंदर का क्या नज़ारा है। सो लाइन में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह चेकआउट हो रहा है, टिकट चेक हो रहे हैं कितने लोगों का टिकट है, क्या हिसाब है। यहाँ पर इनके पास एक फ़ोन होता है, फ़ोन स्मार्टफोन में ऐप होता है जिसके थ्रू टिकट स्कैन किया जाता है और चेकआउट किया जाता है। बाकी जिनके पास स्लिप होती हैं जो पर्ची के थ्रू निकलती हैं वो दे दिया जाता है और आप अंदर एंट्री कर सकते हो। सो फिलहाल बाकी आप जो बैग वगैरह लेके आते हो वो भी चेकआउट होता है कि कोई ऐसी चीज़ें जो आप लेके नहीं जा रहे हो जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करें पब्लिक को। सो सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़रूरी है। सो चलिए गाइस, मैं भी लाइन में लगा हूँ, अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा हूँ फटाफट। सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू सारी चीज़ें हो गई, मैं अंदर आ गया। सो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें और यहाँ पर काफ़ी अच्छी गैदरिंग है लोगों की। यहाँ पर अच्छे तरीके से सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, सभी लोग सेल्फीज ले रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं आईनॉक्स में आकर। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जिस स्क्रीन में हमारी एंट्री होने वाली है, फोर्थ नंबर की स्क्रीन है। वन आपने देख ली, सेकंड आपने देख ली, थर्ड आपने देख ली है, और फोर्थ को देखते हैं कहाँ पर है, लगता है कहीं साइड में है। सो अब मैं आ गया हूँ, देख रहा हूँ मेरा फोर्थ नंबर का स्क्रीन किधर है। सो चलिए लगे रहिए, देखते हैं किधर है। ये मिल गया फोर्थ नंबर का स्क्रीन जहाँ पर अपनी एंट्री होनी है। सो आप सभी लोग देख सकते हैं फोर्थ नंबर की स्क्रीनिंग पे मैं आ चुका हूँ, और जैसे ही यहाँ पर एंट्री स्टार्ट होगी सो हम लोग भी चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी इतनी जल्दी नहीं है। और बस की सीट तो है नहीं कि बस की सीट छिन जाएगी, ये मल्टीप्लेक्स है। सो आप देख सकते हैं सभी लोगों की एंट्री होने लगी है और सभी लोग अंदर जा रहे हैं। सो हम भी धीरे धीरे आराम से प्यार से चलेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि भाई टिकट ले चुके हैं और सीट बुक हो चुकी है, तो सीट तो अपनी छिनने वाली नहीं है। सो आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप हम देख सकते हैं धीरे धीरे जो वेटिंग एरिया होता है वो खाली हो रहा है और सभी लोग अपनी स्क्रीन में एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर स्क्रीन। और आप देख सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे एंट्री हो रही है। सो चलिए चलते हैं, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस, पिक्चर बहुत बढ़िया थी, बहुत शानदार थी, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी पिक्चर थी, देशभक्ति पे बनी हुई थी, बहुत ही बढ़िया है। और स्पाई यूनिवर्स का स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस, मेरा यह ब्लॉग यहीं तक था, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए लखनऊ वाला ब्लॉग।